अगर कोई आपको छोड़ देता है तो आपको क्या करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नॉर्मली ऐसे हाल पे लोग बहुत गलत कदम उठा लेते हैं जो आगे जाके बहुत बुरा साबित होता है, तो आज हम यही देखेंगे कि ऐसे हाल पे हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे सिचुएशन पे हमको 3 स्टेप को फॉलो करना होता है, और इसी सिंपल स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं ऐसे हाल पे तो आगे जाके हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1 जो स्टेप या नंबर 1 जो पॉइंट है वो है, आपके पास ऐसे हाल पे दोनों ऑप्शन रहता है, एक तो बदतर बना लो खुद की हालत को या फिर बेहतर बना लो। बदतर इन द सेंस नशे में डूब जाओ, रो, गिर गिराओ, डिप्रेस्ड हो जाओ, घर के किसी कोने में बैठ के रोते रहो रोते रहो। ठीक है, खुद को लूज़र समझ लो कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसीलिए रिजेक्ट किया है उसने या फिर छोड़ दिया है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी अपने अंदर डाल दे जाओ, ये एक हो गया। और सेकंड क्या है, बेहतर बना लो। आप खुद में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लो, इतना ज़्यादा खुद को पॉलिश कर लो कि जिसने आपको छोड़ा है वो आपके लिए तरस जाए कि मैंने किसको छोड़ दिया, ये तो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता था या दे सकती थी, इसके साथ तो मेरी लाइफ पूरा स्मूथ चलता। तो वो आपको देख के तरस जाएगा, आपका जो पार्टनर जिसने आपको छोड़ा है ना। लेकिन अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन को चूज़ करते हो। आपके पास डू और डाई वाला सिचुएशन है, या तो आप बेहतर बना लो खुद को इतना कि लोग तरस जाए इंक्लूडिंग योर पार्टनर, या फिर अपने हाल को देवदास जैसा बना लो। तो इससे आगे जाके आपको ही फ़ायदा होता है अगर आप अपने हालत को सुधार लेते हो, अगर आप बेहतर बना लेते हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सट्रीम स्टैंड मत लेना। ऐसे सिचुएशन में लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोस्तों कि एक्सट्रीम स्टैंड मतलब सुइसाइड तक कमिट कर बैठते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनको किसी ने दुख दिया उनको छोड़ के, तो वो सेम दुख वो अपने परिवार को देना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम अगर हमको किसी ने छोड़ दिया है तो हम क्या अपने फैमिली को भी छोड़ दें, उसको भी ऐसे ही दुख भरी सिचुएशन से गुजरने के लिए छोड़ दें हम, जैसे हम अभी झेल रहे हैं, हमको किसी ने छोड़ दिया है, हमको कितनी तकलीफ़ हो रही है, यही दुख हम अपने फैमिली को भी देने जा रहे हैं। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि आपको किसी ने छोड़ा है तो आप वही दुख अपने फैमिली को क्यों देने वाले हो। तो ऐसा सोचोगे तो कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा दोस्तों। हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये बात 16 आने सच है। अगर आपको किसी ने छोड़ा है इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमी दिखी होगी उस इंसान को, या फिर उसके अंदर खुद की कमी होगी कुछ। तो अगर आपके अंदर कुछ कमी होगी तो आप आगे जाके अगर अपने ऊपर काम करोगे, वर्क करोगे, तो आप पॉलिश होंगे और ज़्यादा, तो आगे जाके आपको ही फ़ायदा होगा, आपका ही अच्छा होगा ना इसमें। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे पार्टनर जो आज आज आपको छोड़ दिए हैं वो अगर बाद में छोड़ देते हैं आपको, तो भी तो आपका ज़िंदगी ख़राब हो जाता और ज़्यादा। शादी के बाद तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाती, तो इससे तो अच्छा है कि उसने पहले ही साथ छोड़ दिया, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको पछतावा होता ना। इसलिए जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है। आगे जाके शायद आपको कोई ऐसा मिल सकता है या मिल सकती है जो आपकी कदर करे, आपकी फीलिंग को समझे, आपके प्यार को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे। तो जो होता है इसीलिए अच्छे के लिए होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा है आज का वीडियो। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक चैनल का दे के रखा है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जितना हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो।